हमें एक और साइट के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल मिला, आपको दिखाया गया हमने क्या क्या काम किया था इस वेबसाइट के ऊपर कि हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल इजीली मिल गया है विद इन टू डेज। आपको भी विद इन टू डेज गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है। बस आप लोगों ने इस वीडियो को फॉलो करना, जो जो स्टेप्स मैंने आपको बताने हैं सबको अच्छे से देखना है, सीखना है और फॉलो करना है। एक एक स्टेप को अच्छे से आपने फॉलो कर लेना है तो आपको भी 101% गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलके रहेगा। चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ हाउ टू गेट गूगल एडसेंस अप्रूवल इन टू डेज। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, प्रैक्टिकली आपको लाइव कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले एक ही बात कहूंगा, चैनल पे पहली दफा आए हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चैनल पर रेगुलर आते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। मेरे भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो भाई, के 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ। तो चलो ये वीडियो को शुरू करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखिए गाइस गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है। एड्स बाय गूगल आपको डिस्प्ले हो रहा है, नीचे भी एड्स बाय गूगल डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपको एडसेंस का ईमेल दिखाया जाए तो ये देखिए यहाँ पे कांग्रेचुलेशन ऑन एक्टिवेट योर एडसेंस अकाउंट, आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है, यहाँ पे हमें ईमेल आ चुका है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कितने दिन में मिला है, यहाँ पे 1 जनवरी को हमने अप्लाई किया। देखिए 1 जनवरी को एडसेंस के लिए अप्लाई किया और 3 जनवरी को आपके सामने ये एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है, यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर एडसेंस का अप्रूवल मिल गया। इसके बाद बात करें कि गूगल एडसेंस के लिए हमने क्या क्या वेबसाइट पर काम किया है वो तो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये बता दे आर्टिकल कितने हैं हमारे यहाँ पे। टोटल 26 आर्टिकल हमने अपलोड किए। उसके बाद बात करें कि यहाँ पे पहला आर्टिकल कब लिखा, आपको पता चल जाए कितने दिन में आप काम कर सकते हो, कितने दिन के बाद अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखिए हमने पहला आर्टिकल लिखा 25 अक्टूबर को, उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरा 29 अक्टूबर को लिखा, उसके बाद जब हमने एडसेंस के लिए अप्लाई करना था उससे पहले तक हमने दिसंबर 24 तक आर्टिकल लिख के रख लिया था। उसके बाद हमें एडसेंस का अप्रूवल मिल गया 3 जनवरी को। देन हमने यहाँ पे आर्टिकल लिखा लास्ट वाला जो है 5 जनवरी को, यानी कि उसके बाद हमने अभी तक आर्टिकल नहीं लिखा, आज है 19 जनवरी। तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो काफी लेट आ रही है उसके लिए सॉरी, आपको भाई सेटअप बना रहा था अपना। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं एडसेंस अप्रूवल के लिए आपकी वेबसाइट को क्या क्या होना चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर। देखिए अगर हम वेबसाइट पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसकी डोमेन नेम आपको देखने को मिलता है contentmining.com, ठीक है। अब आप लोगों ने वेबसाइट पे क्या क्या काम करना है, आर्टिकल कैसे लिखने हैं, एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपने पेजेस बनाने होते हैं, 4 से 5 पेजेस आपने बनाने होते हैं, अबाउट अस का, कंटेक्ट का, कॉन्टेक्ट अस का, प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर, इजी से पेजेस है। यहाँ पे देख लो आपने कैसे बनाने हैं, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दूं अगर ये पेजेस खोल के, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। देखिए अबाउट अस का तो छोटा सा आपने अपने ब्लॉग के अबाउट लिख देना, किस ब्लॉग के ऊपर आप क्या काम करने वाले हो। उसके बाद कंटेक्ट अस का फॉर्म होता है, सिंपल था, ये फॉर्म आप लोगों ने डाउनलोड करके यहाँ पे यूज कर लेना, कोई इशू वाली बात नहीं। देखिए यहाँ पे नीचे भी फुटर के अंदर भी आपको एड्स पर गूगल देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको दिखाया जाए, ये कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म था, प्राइवेसी पॉलिसी का ये पेज है, पेज जनरेटर आप गूगल से बना सकते हो। अगर आपको पेजेस बनाने नहीं आते उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, जाके वहां से पेजेस बना सकते हो। डिस्क्लेमर का भी पेज बना हुआ, इजीली पेज है, ये देखिए इजी सा पेज है। यहाँ पे भी एड्स बाय गूगल, यहाँ भी एड्स बाय गूगल, नीचे भी एड्स बाय गूगल और फुटर के अंदर भी एड्स बाय गूगल देखने को मिल रहा है आपको। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने पेजेस के बाद क्या ऐसा काम करना है कि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिले। देख लीजिए यहाँ पे आपने फुटर के अंदर भी सेटिंग करनी होती है, 1-2 पेजेस फुटर में ऐड करना चाहे फुटर में कर ले, टॉप नेविगेशन में करना चाहे टॉप में कर ले। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मेन मेन्यू बनानी पड़ती है, देखिए यहाँ पे आप लोग मेन मेन्यू इजीली बना सकते हैं। अगर आपको नहीं बनानी आती, इस पे भी हमने वीडियो डाल रखी है, वहां पे जाके आप सीख सकते हैं। इसके टेम्पलेट की बात करें तो यहाँ पे न्यूज प्लस टेम्पलेट हमने यूज किया, यहाँ पे देख लेगा पेजेस की वीडियो आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे मिल जाएगी, हाउ टू क्रिएट पेजेस, पेजेस आपको बनाने आगे। उसके बाद न्यूज प्लस टेम्पलेट को आपने कैसे कस्टमाइज करना है, मेरे चैनल के ऊपर आगे यहाँ पे सर्च के बटन पे आपने सर्च करना है प्लस टेम्पलेट कस्टमाइजेशन, देन आपने एंटर करना है। आपको देखिए ये दूसरे नंबर पे वीडियो मिल गई, ब्लू कस्टमाइजेशन लाइक ए प्रो वेबसाइट, आपको यहाँ पे सारा काम बता दिया जाएगा। टेम्पलेट भी प्रो वाला, प्रीमियम वाला टेम्पलेट आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने यूज किया, ये प्रो टेम्पलेट है। देखिए आपको फुटर में कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा जो आपको रिडायरेक्ट करे किसी और वेबसाइट के ऊपर। इस ऐड को हम फिलहाल यहाँ से खत्म करते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आ सके पूरी वेबसाइट का व्यू। ओके हो गया, यहाँ पे आपको बनाने पड़ते हैं, देखिए यहाँ पे मेन मेन्यू बनानी पड़ती है। मेन मेन्यू के अंदर आप पोस्टिंग वगैरह कर सकते हो, यहाँ विग्नेट ऐड आपको ये शो हो रहा है, इसके ज्यादा पैसे आपको मिलते हैं। देख लीजिए मेन मेन्यू वगैरह के अंदर आपको पोस्टिंग ये शो हो रही है, जो बिजनेस के रिलेटेड है, सर्को ये सीवी के रिलेटेड एक ही पोस्ट है, हेल्थी रिलेशंस के
रिलेटेड भी आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल जाती है, दो माइंड ग्रूमिंग के रिलेटेड यहाँ पे मिल जाती है, और सक्सेसिव गोल्स के रिलेटेड आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल जाती है। उसके बाद बात करें होम के ऊपर, होम के ऊपर आपको यहाँ पे अपना लोगो वगैरह लगाना चाहो तो लगा सकते हो, पूरी यार जैसा कि मैंने आपको बताया कस्टमाइजेशन वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल की, क्या आपने आर्टिकल कितने वर्ड का लिखना है मेरे भाई। यहाँ पे देखो हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिल रहा है कि हमने कितना आर्टिकल यूज किया। एक ये वाली इमेज हमने इसमें यूज किया, उसके बाद आर्टिकल यूज किया, और यहाँ पे देखो बोल्ड भी की है वर्ड्स को, और आप इजीली इस तरह से आर्टिकल वगैरह लिख सकते हो। काफी 1000 वर्ड प्लस आपका आर्टिकल होना चाहिए, मिनिमम आपके आर्टिकल के अंदर 1000 वर्ड होना चाहिए। कॉपी पेस्ट भी करना चाहते हो तो यूनिक आर्टिकल बना करना, उसके ऊपर भी वीडियो आ रही है कि आर्टिकल कैसे आप जनरेट कर सकते हो, यूनिक आर्टिकल कैसे जनरेट कर सकते हो, चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर नहीं आई अभी तो एक आध दिन में आ जाएगी, उसका वेट करें। सबसे पहले तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके आर के बटन में प्रेस कर दे ताकि आप लोगों तक नेक्स्ट वीडियो आ सके। ओके हो गए, यहाँ पे हमने आपको सारा काम बता दिया कि इमेज हमने यूज की, इमेज के अलावा हमने यहाँ पे मेन पैराग्राफ यूज किए, ठीक है, पैराग्राफ आपने कैसे यूज करने हैं, 3 से 4 लाइनों का एक पैराग्राफ लिखना है, इससे ज्यादा 5 लाइनें कर लो, इससे ज्यादा आपने पैराग्राफ नहीं लिखना। देखे पैराग्राफ्स बना बना आके आप लोगों ने आर्टिकल को पोस्ट करना है। उसके अलावा आपने हेडिंग यूज करनी है, सब हेडिंग्स यूज करनी है ताकि आपका आर्टिकल यूनिक हो सके, अच्छा हो सके, गूगल एडसेंस वालों की समझ में आए, जब गूगल एडसेंस के बोर्ड्स आपकी साइट पे आए तो उन्हें पता चले कि आपने क्या काम किया हुआ है, ठीक हो गया, तब जाके आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। इसके अलावा इतने ही काम है, इससे ज्यादा कि आपको काम करना नहीं पड़ता, बस अगर आप तरीके से काम करो, एक डोमेन बाय कर लो .com वाली, तो आपको एडसेंस का अप्रूवल इजीली मिल जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको ये वीडियो नीचे कमेंट्स करके लाजमी बताना। आई होप यार आपने देख लिया हमने कैसे गूगल एडसेंस का अप्रूवल विद इन 2 डेज गेट कर लिया, आप भी कर सकते हो, कोई वाली बात नहीं। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट्स करके बताना, इसके अलावा वीडियो को लाइक कर देना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है मुझे इस तरह की और वीडियोस लेके आने के लिए। इसके साथ साथ यार चैनल पे पहली दफा आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम पे भाई को फॉलो करना चाहो तो जाकर फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।